वेलकम टू इजी एस आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस ऑन रिसाइकिलिंग जो रिसाइकलिंग होती है यानी कि चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करना बार बार इस्तेमाल करना उसको कहते हैं हम लोग रिसाइकिल करना तो रिसाइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेविंग द अर्थ हमारी अर्थ को बचाने के लिए चीज़ों को रिसाइकिल करना बहुत जरूरी है रीयूजिंग रीड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग आर द थ्री इम्पॉर्टेंट आर्ट्स ट वी मस्ट फॉलो टू हेल्प आर प्लानट टू बी हेल्थी तो रीयूज़ आपने पढ़ाओ कर रीयूज रिसाइकल एंड रिड्यूज़ मतलब आप चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कम से कम उनका इस्तेमाल करें वेस्ट ना करें चीज़ों को और रिसाइकिल करें है ना री यूज़ करें रिसाइकिल करें रिसाइकिल करें का क्या मतलब है कि पहले सपोज करिए कि वो किसी और फॉर्म में था फिर आपने उसको चेंज कर दिया दोबारा से यूज़ कर लिया है ना तो ये तीन आर्ट्स होते हैं जिसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए रिसाइकलिंग मीन To take the raw materials of objects and remake them into new objects which we can use again. Recycle का मतलब होता है कि हम लोग raw materials का इस्तेमाल करें and make and remake the object into new object which we can use again. तो जैसे कि suppose करिए आपने thermocol लेकर के आए थे पहले project बनाया था, फिर उस thermocol से आप लोग एक शायद आपने pen holder बना लिया हो, इस तरीके से हम लोग recycle कर सकते हैं। ह्यूमस प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ वेस्ट एवरीडे ह्यूमन्स जो है वो बहुत सारा वेस्ट डेली प्रोड्यूस करते हैं इंक्लूडिंग पेपर प्लास्टिक मेटल एंड ग्लास वेस्ट तो बहुत सारा हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं रोज पेपर वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मेटल वेस्ट ग्लास वेस्ट है ना दिस मीन्स यूज वाटर बॉटल्स और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स एंड कैंस वेस्ट पेपर ओल्ड जार्स बॉटल विच आर मेड ऑफ ग्लास एक्सेट्रा तो इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं देयर आर सॉरी दीज आर सम थिंग्स विच कैन बी ईजीली रिसाइकल्ड इन स्पेशल रिसाइकिलिंग सेंटर्स ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं ओवर देयर दीज थिंग्स आर ब्रोकन इं टू स्मॉल पीसेस वहाँ पर इन चीज़ों को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ते हैं मेल्टेड दैन पुट बैक टुगेदर एज अ ब्रांड न्यू एंड यूजबल ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर इनको हम लोग तोड़ते हैं और जो सेंटर्स होते हैं रिसाइकलिंग सेंटर उनको फिर नई चीज़ बना देते हैं वी कैन ऑल्सो रिसाइकल मैनी थिंग्स एट होम काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग घर पे भी रिसाइकल कर सकते हैं यूजिंग देम टू मेक यूजफुल एंड फन क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक पेंसिल स्टैंड आउट ऑफ मेटल कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स बाय कटिंग देयर टॉप्स ऑफ आप प्लास्टिक बॉटल का टॉप काट दीजिए फिर उसको सजा दीजिए तो पेन स्टैंड बना सकते हैं वी शुड सेपरेट आर गार्बेज इन टू ड्राई एंड वेट वेस्ट एट होम टू मेक श्योर दैट द रिसाइकल्ड ऑब्जेक्ट गो टू द रिसाइकलिंग सेंटर हम लोगों को सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करना चाहिए जैसे कि गीला कचरा क्या होता है चाय पत्ती हो गई आपके वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के छिलके हो गए वो गीला कचरा हो गया सूखा कचरा आपने कागज़ या फिर पेंसिल के छिकल या फिर यूज्ड पेन या बॉटल वो सूखा कचरा हो गया इनको अलग अलग करना चाहिए ताकि आसानी से इसको हम लोग अलग कर दें तो रिसाइकिलिंग कैन बी डन इन मैनी अदर वेज़ टू एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिसाइकल एज मच एज वी कैन तो रिसाइकिल हम लोग और भी कई तरीके से कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए तो थ्री आर्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे सेफ एनवायरमेंट को बचा करके रखने के लिए तो दीज थ्री आर रिड्यूस रिसाइकल रियूज रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस वेयर वेस्ट थिंग्स आर मेड न्यू एंड रियूजेबल तो वेस्ट थिंग्स को आप दोबारा से बना देते हैं सही करके तो देखिए वेस्ट मटेरियल शुड बी रिड्यूस्ड वेस्ट मटेरियल को आप लोग रिड्यूस आपको रिड्यूस करना चाहिए बिकॉज वेस्ट गोज इन टू द लैंड जो वेस्ट मटीरियल होता है वरना वो अगर रिसाइकल सेंटर्स पर नहीं जाता तो वो जमीन में जाता है इसके बाद आफ्टर दिस अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस केम आउट फिर उसमें से काफ़ी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं विच आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स तो जो प्लास्टिक वगैरह ज़मीन में जाते हैं और या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं वो सब जो जमीन में जाता है तो इंसानों के लिए जानवरों के लिए पेड़ पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है रिसाइकिलिंग हेल्प्स टू सेव रिसोर्सेज रिसोर्स बचते हैं हमारे नेचुरल बी फॉर फ्यूचर नेचुरल रिसोर्सेस को हमें फ्यूचर के लिए बचा करके भी रखना चाहिए द मटीरियल विच कैन बी रिसाइकल्ड आर प्लास्टिक हो गए है ना ये सारे के सारे आप लोग बता सकते हैं प्लास्टिक फैक्ट्रीज़ प्रोड्यूस स्मोक वन प्लास्टिक इज मेड प्लास्टिक फैक्ट्री स्मोक बहुत ज़्यादा धुआं निकालती है जब प्लास्टिक बनती है वन प्लास्टिक इज रिसाइकल्ड एयर एंड वाटर पोल्यूशन आर रिड्यूज तो प्लास्टिक जो को जब हम रिसाइकल करते कर देते हैं तो एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड बहुत हर तरीके का पोल्यूशन आप रिड्यूस कर सकते हैं पीपल कट ट्रीज टू मेक पेपर एंड फॉरेस्ट गेट्स रिड्यूस तो पेपर बनाने के लिए आप लोगों को जंगल काटने पड़ते हैं तो इसलिए अगर आप पेपर रिसाइकल करेंगे तो कम पेड़ कटेंगे वाइल्ड एनिमल्स लीव फॉरेस्ट एंड कम टू द एरिया वेयर पीपल लिव पीपल लिव वैन फॉरेस्ट इज रिड्यूस एंड एनक्रोज बाय पीपल तो जंगल काट देते हैं तो बेचारे जानवरों को आना पड़ता है शहरों में और फिर मैन एनिमल कंफ्लिक्ट होता है मतलब फिर जानवरों को हम और ज्यादा मारते हैं तो रिसाइकलिंग करके हम लोग ये सब चीज़ें बचा सकते हैं एवरीबडी शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू रिसाइकलिंग हर किसी को रिसाइकिल करना चाहिए वी मस्ट टेल अदर्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग हमें दूसरों को रिसाइकिलिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए वी मस्ट बाई थिंग्स विच कैन बी ईजिल रिसाइकल्ड हमें ऐसी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी रिसाइकलिंग आसानी से की जा सके वी मस्ट गिव द वेस्ट थिंग्स टू दोज हु रिसाइकल दैम हमें अपना जो वेस्ट होता है वो दूसरे लोगों को दे देना चाहिए वो आराम से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं रिसाइकलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एन्वायरमेंट फ्यूचर रिसाइकलिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए भी और हमारे फ्यूचर के लिए भी इट सेव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मनी रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस थ्रेड्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन तो रिसाइलिंग से हम लोग बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं एनर्जी बचा सकते हैं और रिसाइकिलिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबल वार्मिंग मतलब दुनिया जो गर्म हो रही है हमारा जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है तो ये रिसाइकलिंग पर एक थोड़ा सा लॉन्ग ऐसे था अगर आप शॉर्ट तक शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसके आयगा मत लिखिए तो मतलब आप पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा लिखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पर चाहते हैं आप लोग कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ ऐसे कौन से किस टॉपिक पे ऐसे चाहते हैं फिर कोई एप्लीकेशन या डायरी एंट्री जो भी आप लोग चाहते हैं वो हम ले करके आ जाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को थैंक यू